मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए हैं ऐसे इंटेलिजेंट हाइपर एक्टिव, क्या बच्चे पैदा हुए, जिसको छू लो वही करंट मार रहा है। हाँ, शांति से किसी बच्चे को बैठा लो तो 5 मिनट समझ लो भगवान मिल गए। कहाँ से आ गई इतनी ऊर्जा, क्या गजब के बच्चे हैं। एक वक्त था, मैं कहता था ना सबसे आसान काम है बच्चे पालना एक वक्त, और आज सबसे मुश्किल काम हो गया बच्चों का लालन पालन। क्या बच्चे पल जाते थे पता नहीं लगता, और आज तो पूरा खानदान पीछे लगा है, खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, अरे बाप रे, इनको एक रोटी खिलाना तो ऐसा है जैसे कोई पहाड़ तोड़ के मुंह में डालना हो। कमबख्त मुंह ही नहीं खोलते। मैं किसी घर में एक दिन ठहरा हुआ, मारवाड़ी घर था, अब ये नहीं बताऊंगा कि अग्रवाल की महेश्वरी, लेकिन उनके घर में ठहरा तो लंच का टाइम था, हम भी डाइनिंग टेबल पे बैठे, परिवार के सदस्य भी बैठे, और उसी समय उनके दो तीन भाइयों के बीच में दो तीन बच्चे होंगे, तो वो बच्चे स्कूल से आए तो पूरा खानदान हिलने लगा। हमने कहा कौन आ रहा है इतना सब तैयारी, बोले बच्चों के आने का टाइम हुआ। तो मैंने कहा बच्चों का आने का टाइम हुआ तो इतना उपद्रव, माँ दौड़ रही, बाप दौड़ रहा, दादा दौड़ रहा, उस समय जब बच्चों ने एंट्री ली, ओ हो हो, ऐसा लग रहा जैसे कोई फौज आ रही हो, इधर बस्ता उधर फेंका, धाम धूम हो गई। और उसके बाद जब उसको डाइनिंग टेबल पे बैठाया उस लड़के को और कहा खा ले रोटी खा ले, तो कम्बख्त मुंह नहीं खोलता, बैठो रोटी नहीं खाऊंगा। हम देख रहे, तो उसके दादा ने बोला परेशान मत करो, परेशान मत करो, मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। मैंने कहा दादाजी के पास कोई टेक्निक होगी भाई, अपन भी सीख लें आज, परेशान मत करो, परेशान मत करो। अच्छा तो क्या करें, दादाजी ने कहा देख मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। और दादाजी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और दूर से ऐसा दिखाया, देख देख हेलीकॉप्टर आ रहा, मुंह खोल मुंह खोल। उसने मुंह खोला, दादाजी ने रोटी डाल दी, खुश हो गया दादाजी। रोटी का टुकड़ा हेलीकॉप्टर बन के मुंह में जा रहा है। बावले हो गए माँ बाप बच्चे पालने में, ऐसे ऐसे हथेली पे लग के चल रहे हैं। हम और आप भी बड़े हुए, मुझे याद है हमारी माँ 5 बच्चे थे, हम थाली रख देती थी, खा लो, और सब खा लेते, कोई भूखा नहीं मरा, और पनी मरे जा रहे हैं, खा लो रे भैया, खा लो रे भैया। हमारे माँ बाप ने कभी किसी से नहीं कहा कि इसको तो ये पसंद नहीं, इसको तो ये पसंद नहीं है। मुझे आज भी याद है, हम 5 भाई बहन थे और मेरे जैसे आप कई लोग बैठे होंगे कि शायद माँ ने कभी पूछा हो कि आज भोजन क्या बनाना, तो इसलिए कि माँ का दिल था पूछ ले, बाकी कोई डर के नहीं, माँ पूछती थी जो बनाया खा लो बस, और सब ठीक ठाक ही हैं भेजे से। आजकल तो जरा जरा से इल्लू पिल्लू टिल्लू से पूछ के घर का मेनू तय होता है, भाई तुम क्या खाओगे, भाई तुम क्या खाओगे, कमाल हो गया, कमाल हो गया। 5 बच्चे हम भी थे, एक लंच बॉक्स बनता और सबके उसमें डल जाता था, एक बच्चे के लिए 5 चीजें बनती आज, और वो भी रात को बचा के ले आता है स्कूल से, फिर कैसे पालेंगे इन बच्चों को। चुनौती तो है, कठिन समय आ रहा है, इसलिए इसका रास्ता हमारे पास ही होना चाहिए, और वो रास्ता है आपके वाइब्रेशन को, माँ बाप के रूप में आप जितने पॉजिटिव करेंगे, ऐसे प्रसंग आज की कथा में आएंगे।